लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियाराममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावऊं तासु कृपानीर मलमति पावऊं मनोजवं मा ऋततुल्यवेगं जीतेन्द्रियम्बु धीमतां वरी वातात्मजं वा नरयूतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करारविन्दे नपदारविन्दं मोखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरा श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदे जिहवे पिबत्स्वा अमृतमेत देव गोविंद दा धर्माधव अगरे करुणा मथ पांडवानां दुशासने ना हतवस्त्रकेश कृष्णा तदाक्रो शदनन्य नाथा गोविंद दामो धर्माधवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले श्री मंगल मंदिर के समस्त वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव, श्री राम कथा सुंदर कांड में पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। कुछ प्रोग्राम जो है ना सॉफ्टवेयर में फिक्स ही होना चाहिए, आप लोगों का गला बैठ जाए उसके पहले बड़े आनंद से कीर्तन कर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कब कोयल कौवा हो जाए। ये कोयल और कौवे से एक बात याद आती है, ध्यान से सुनिएगा, लगभग आप लोग पहली बार सुनोगे। इस संसार में कितनी योनियां हैं आप जानते हैं? 84 लाख, 84 लाख की योनि है। जलजा, नवलक्षाणी, 9 लाख जलमय, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, पक्षिणाम, 10 लक्षाणाम, 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले, 30 लाख प्रकार के चार पांव पर चलने, आप सब जानते हैं पद्म पुराण। लेकिन ये 84 लाख की योनियां जो है ना, ये सबका दिमाग बिगड़ गया, सबकी खोपड़ी सटक गई, हमारी मुंबई की भाषा में। और इतना आक्रोश हुआ, इतना क्रोध हुआ कि 84 लाख की योनि के सभी लीडर ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा को नहीं तो जानते ना, ये 84 लाख योनियों की डिजाइन किसने की? ब्रह्मा जी ने। तो ये सारे 84 लाख के जीव ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास पहुंचे और चिल्ला चिल्ला कर नारा लगाने लगे। ब्रह्मा जी अपने भजन कीर्तन से बाहर आए और कहा कि हे 84 लाख योनियों, यहां क्या कर रहे हो? बोले, हमसे रहा नहीं गया, देश और दुनिया में साधुओं को पूछो, संतों को पूछो, महात्माओं को पूछो, शास्त्र में देखो तो एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत उत्तम है, है ना? 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम जीवन कौन सा है? मनुष्य जीवन। अपने त्या गुजराती में गायू ने, मोंगो मनुष्य देह, फरी रे फरी ने नहीं मळे वारंवार। 84 लाख योनियों में सबसे महंगा, हम कह सकते हैं सबसे अधिक एक्सपेंसिव यदि कोई शरीर है तो वह मनुष्य का शरीर है। और हमारे वेदों ने, इतिहास ने इसे गाया
भागवत जी में देखें दुर्लभम मानुषम जन्म, रामायण में चले तो राम जी स्वयं कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य जीवन मिला है बहुत बड़े भाग्य की बात है। कुत्ते का दिमाग सटक गया, ब्रह्मा के पास पहुंचा, गधे का भी सटका, घोड़े का भी सटका, ये सब ब्रह्मा के पास पहुंचे और सब लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर हल्ला करने लगे कि आप कहते हो, दुनिया वाले कहते हैं मानव योनि बहुत अच्छी, मानव योनि बहुत अच्छी, ऐसे सब लोग हल्ला कर रहे थे ना, तो घोड़ा जो था ना सबको चीर के आगे आया, वो तो पूरा हट ही गया था दिमाग। आपने हमको बनाया? बोले हाँ बनाया। तो आपने ये हमारे घोड़े का जो रूप बनाया, हमारी जो पीठ बनाई, किसके लिए बनाई? ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी पीठ पर एक आदमी बैठ सके, इसलिए मैंने ऐसी डिजाइन की। बोले आपने एक आदमी की डिजाइन की, आदमी ने घोड़ा गाड़ी बना ली, वो साले आठ आठ लोग बैठते हैं और आप कहते हो कि आदमी बहुत अच्छा है। आदमी सही है, प्रकृति ने, भगवान ने तो घोड़े को केवल एक आदमी के लिए बनाया था और हमारे वहां घोड़ा गाड़ी चलती है, मर टांगे वाला, पीछे टांगा लगाते हैं आठ आठ लोग। तब तक तो एक घेटा, घेटा को क्या कहते हैं, भेड़, घेटू बरोबर छे ने, आपणे वांधो ने, एक घेटू आगळ आव्यो। हवे घेटू बोलवा जे आनंद छे, शीफ मां आनंद छे, तो पछी घेटू बोलवा दो ने। एक घेटू आगळ आव्यो, घोड़े को पीछे किया, घेटा आगे आया। घेटा ने कहा कि ब्रह्मा जी आपने हमारे शरीर पर ये जो ऊन बनाया किसके लिए? बोले आप लोग मुलायम तबीयत के हो, आपको ठंडी ना लग जाए, इसलिए मैंने आपके शरीर पर ऊन बनाया। बोले ये आदमी ने हमारे शरीर का ऊन निकालकर स्वेटर बना लिया, हमने सर्दी मटती नहीं, हमारू गड़ू बेसी की घेटू बोलू, हमने सर्दी मटती नहीं। ब्रह्मा जी सोचे कि बात तो सही है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वो घेटे की तबीयत के अनुसार वो बनाया ना रुआटी और ऊन। तो बोले आदमी देखो कैसा है कि हमारे शरीर का ऊन काट दिया, हमको ऐसे ही छोड़ दिया और वो खुद स्वेटर बनाकर पहनता है। तब तक तो एक एक बकरा सबको चीर कर, तू हट, तू साइड में जा। बकरे ने कहा इसका तो केवल ऊन ही निकालते, हमको तो पूरा पूरा खा जाते हैं ये लोग। बकरी ईद, और ये जो मुस्लिम भाई को आपने बनाया है, ये घेंटे का तो केवल बाल ही शेविंग होता है, हम बकरों को तो ये टोटल खा जाते हैं। तो ये सारे 84 लाख के जो थे ना, वो ब्रह्मा जी को कंप्लेंट कर, और आप लोग कहते हो आदमी बहुत अच्छा है, मानव बहुत अच्छा है, कहाँ का अच्छा है, हम सबको परेशान करके रख दिया है। और सब लोग चिल्लाने लगे, हल्ला करने लगे, हमको ये बताओ आप आदमी को, मनुष्य को अच्छा मानते हो, मनुष्य के पास अपना क्या है? सोचने लायक बात है, किसी की आंख अच्छी होती है तो क्या कहते हैं, हिरणी जैसी आंख है, बताओ, मतलब हिरणों के साथ आंख की कंपेयर होती, मतलब मनुष्य की आंख से हिरणी की आंख अच्छी होगी ना, तभी तो उसकी उपमा दी जाती है। तो यदि किसी की आंख अच्छी है तो हिरणी जैसी आंख कहते हैं, यदि कोई बुद्धू है, कोई मूर्ख है तो क्या कहते हैं, गधे जैसा मूर्ख है ये। मतलब हमसे कंपैरिजन करते हैं, मतलब हम उनसे महान है, कंपैरिजन तो ऐसे ही होती है। यदि किसी की बहुत अच्छी तबीयत है तो कहते घोड़े जैसी तबीयत है, चले ले तो सब हमारा ही रहे हैं और आप कहते हैं कि मनुष्य बहुत बड़ा है। यदि किसी का गला बुरा है तो कहते कौवे जैसा गला है, यदि किसी का सुर अच्छा है तो कोयल जैसा स्वर है। तो मतलब ये गाने में, ये सारी चीजों में हम ही तो सबसे आगे हैं। अच्छा, जो 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 संसार के सत असत को जानता है, क्या सही क्या गलत, तो उसको परम हंस कहते हैं, वो हंस जैसे हैं, शीर और नीर को अलग अलग करके पीते हैं। यदि किसी का स्वभाव चंचलता है
तो कहते बंदर जैसा चंचल है, ये बंदर जैसा चंचल है, और किसी का स्वभाव बुरा है तो बोले ये कुत्ते जैसा है। वैसे नॉर्मली कुत्ते में खून कम होता है कंपैरिजन में, है ना। तो दो लड़के बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। तो कुल मिलाकर ये 84 लाख की योनि ब्रह्मा के पास पहुंची। और देखो तर्क संगत है, ये जो तर्क दिया इन पशुओं ने बिल्कुल संगत तर्क दिया। तो बोले ये मनुष्य सब तो हमारा ही चीज वापर रहा है, हमारा ही मनुष्य शोषण कर रहा है, और समाज में संसार में वेदों में मनुष्य की महिमा ही गाई जाती है, हम लोग कुछ नहीं। आखिर तो ऐसा मनुष्य में क्या है जिससे मनुष्य की इतनी महिमा गाई जाती है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं ये सारी बात सही है, लेकिन मनुष्य दो चीज में आगे है, और वह दो चीज क्या है? साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। ब्रह्मा जी कहते हैं परलोक सवारा, कुत्ता गधा बैल घोड़ा आप सब लोग इस योनियों में फंसे हुए हो, आप में से कोई व्यक्ति 84 लाख के चक्र से मुक्त होना चाहे तो हो सकता है? ये जन्म मृत्यु के बंधन से आप में से कोई मुक्त होना चाहो, आपके पास वो ज्ञान है, वो नॉलेज है? यदि ज्ञान नॉलेज है तो क्या वो सामर्थ्यता है, कैपेसिटी है? पाई न जई पर लोक सवारा, 84 लाख की योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना बार बार मरना, बार बार जन्म लेना बार बार मरना, यही तो हमारी प्रॉब्लम है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कुत्ता ये गधा ये बैल ये घोड़ा बकरा तू यहां घेटा, आप लोग मुझे बताओ, आप लोग इन चक्कर से मुक्त होना चाहते हो तो क्या हो सकते हो? बोले नहीं। तो मनुष्य के अंदर ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि 84 के चक्कर से मुक्त होने के लिए मनुष्य शरीर उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि 84 लाख के चक्र से मुक्त होने के लिए साधन करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, जिसे हम और आप भक्ति कहते हैं, और वह भक्ति एक और मात्र एक मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। इसलिए आप लोगों के पास चाहे सब कुछ है, और भले आज का मानव मानव नहीं रहा, लेकिन हाँ मनुष्य के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो इस शरीर के द्वारा 84 लाख के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करे, मुक्ति को प्राप्त हो जाए। अब देखो किसी के पास बहुत अच्छी कार है, आजकल टेस्ला चल रही है, लेकिन वो कार केवल गैराज में ही पड़ी रहे तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, या फिर उस कार का मिसयूज हो तो भी कोई मतलब नहीं है। सो भगवान ने हमें ये शरीर रूपी कार, ये शरीर रूपी साधन प्रदान किया है, इसे केवल गैराज में पड़े रखने के लिए नहीं, या फिर इसका मिसयूज करने के लिए नहीं, ये मनुष्य जीवन मिला है स्पेशली 84 के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए, जिसे हम मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। यहां तक राम जी ने कह दिया कि मनुष्य जीवन प्राप्त होना 84 लाख के चक्र में भटकते 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 कबहुक नर करुणा कर देही, बड़ी करुणा करके भगवान मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं,
और मनुष्य शरीर मिल जाना इसका अर्थ है हम लोग मुक्ति के द्वार पर पहुंच चुके हैं। मतलब हम और आप मनुष्य शरीर हम मुक्ति के दरवाजे पर खड़े हैं, थोड़ी सी सेवा करें, थोड़ी सी भक्ति करें और मुक्ति के द्वार से प्रवेश हो जाए। परंतु हाय रे जीव का दुर्भाग्य कि मुक्ति के द्वार पर पहुंचा है मनुष्य लेकिन वह भजन भक्ति नहीं करता और मुक्ति के द्वार से वापस लौटना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य समाज का और कोई नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर सार यही है, मनुष्य जीवन बहुत उत्तम जीवन है और इस मनुष्य जीवन में हमें हमारे कर्तव्य करने चाहिए। हम सब गृहस्थी हैं, संसारी हैं, पत्नी धर्म, पति धर्म, हमारे बच्चों का धर्म, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे फॉलो करें। लेकिन हमारा मूल लक्ष्य, हमारा वास्तविक गोल हम ना चुके। मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य है 84 के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त होना, मुक्ति को प्राप्त होना। और हम सबका सौभाग्य है कि इस 84 के चक्र से मुक्त होने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए आज इस मंगल मंदिर में उपस्थित होकर श्री राम कथा और रामायण के अंतर्गत सुंदर कांड की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने सुंदर कांड सुंदर क्यों है इसके 9 कारण सुने। सुंदर कांड सुंदर क्यों है इसका 10वां कारण आप जानते हैं। व्याकरण में पर्यायवाची शब्द होते हैं। पर्यायवाची माने जो एक शब्द होता है ना उसके समानार्थी शब्द बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं कहूँ नीर, जल, पानी, है ना, तो ऐसे एक ही अर्थ बनते हैं लेकिन समानार्थी शब्द। ओके, जैसे मैं कहूँ कि समुद्र बहुत विशाल है, अगाह है, अपरिसीम है, अनंत है, तो सबका एक ही अर्थ होता है, समानार्थी, पर्यायवाची। तो आपकी जानकारी के लिए सुंदर शब्द जो है ये वानर का पर्यायवाची है। जैसे नीर को जल भी कहते हैं, जल को नीर भी कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची माने आप नीर शब्द भी यूज करो तो वही अर्थ होता है, जल शब्द यूज करो तो वही अर्थ होता है। वैसे संस्कृत में वानर और सुंदर ये दोनों एक है। इसका अर्थ क्या हुआ, जब किसी को गाली देनी हो ना तो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल सुंदर जैसा सुंदर लग रहा है, तो सुंदर का अर्थ होता है वानर। शास्त्र में गाली भी बहुत प्रेम से दी जाती है, तो वानर का पर्यायवाची है सुंदर। और क्योंकि इस पंचम सोपान में वानर राज हनुमान जी महाराज की कथा है इसलिए इसे सुंदर कांड कहा जाता है। 10वां कारण। 11वां कारण सुंदर कांड सुंदर क्यों है इसका एक कारण, यदि हम बृहत धर्म पुराण, वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे और फिर उसके उप पुराण लिखे, तो एक पुराण है बृहद धर्म पुराण जिसमें राम कथा का जिक्र हुआ है। तो वहां पर ऐसा वर्णन है कि रावण ने शिव जी को प्रसन्न कर लिया और आप सब जानते हैं कि रावण ने कैलाश को अपने हाथ में उठाया था तो शिव जी खुश हुए। तो रावण ने वरदान तो मांगा, वो सब आप जानते हैं। बृहद धर्म पुराण की बात स्पेशली मैं आपको कहूं। रावण ने कहा कि भोलेनाथ आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप है ना लंका में रहिए। अब भगत का आग्रह था तो शिव जी ने सोचा कि चलो यहां लंका में रहूं, यहां रहने से इसकी बुद्धि ठिकाने पर आ जाए, सुधर जाए। तो शिव और पार्वती सती
दोनों लंका में रहने लगे। शिव और पार्वती लंका में रह रहे थे और रावण का उत्पात बढ़ रहा था। तो एक दिन सारे देवता, ये बृहत धर्म पुराण रामायण में मत खोजना आप, न वाल्मीकि ने लिखा न तुलसीदास जी ने, ये पुराण में लिखा हुआ है। तो एक दिन शिव और पार्वती को रावण की कंप्लेंट लेकर सारे देवता वहां पर आए, कंप्लेंट किए, लेकिन वहां पर रावण ने सीता को बंधन में रखा था अशोक वाटिका में। तो सीता जी ने देवताओं को भी बहुत डांटा, बोले आप लोगों का काम करने के लिए हम लोग फंसे हैं। और पार्वती जी को यह अच्छा नहीं लगा कि देवी सीता बेचारी यहां पर बंधी है और हम रावण को शक्ति देने के लिए, सेफ रखने के लिए हम भी यहां पर पड़े हैं, हमको जैसे तैसे यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि यहां से निकलेंगे तो भगवान आएंगे, रावण का वध करेंगे, सीता को लेकर जाएंगे। तो अब ये सोच ही रहे थे तब तक हनुमान जी महाराज पहुंचे। अब शिव जी ने वचन दे रखा था कि रावण मैं तेरी लंका में रहूंगा, तो एप्लीकेशन में थे, जा नहीं सकते थे। लेकिन हनुमान जी जब लंका में आए तो हनुमान, पहले ही दिन हमने सुना शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी हैं तो शिव जी ने कहा पार्वती अब निकलने का टाइम है, क्योंकि मेरा स्वरूप आ चुका है, इसलिए मेरा वचन भी फेल नहीं जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो शिव और पार्वती लंका में थे, रावण को सेफ रख रहे थे, रावण को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, लेकिन हनुमान जी जैसे लंका में प्रवेश किए, शिव पार्वती वहां से निकल गए। शिव पार्वती वहां से क्या निकले, रावण के मृत्यु की तारीख पक्की हो गई। तो कहने का अर्थ यह है कि हनुमान जी वहां पहुंचे और रावण की मृत्यु की तारीख पक्की की है। इसलिए अब ये कथा किस में आती है, सुंदरकांड में आती है, तो क्योंकि हनुमान जी के द्वारा यह सुंदर कार्य हुआ, इसलिए इस कांड को सुंदर कांड कहते हैं। आप पूरी रामायण को यदि ओवरव्यू करो तो आप देखोगे, पर तो है सुंदर कांड की कथा, लेकिन आप लोग अनुभव कर रहे होंगे रामायण के सारे प्रसंग हम लोग स्मरण कर रहे हैं। अब आप देखिए सुंदर कांड सुंदर क्यों है, इसका 12वां कारण। सुंदर कांड सुंदर इसलिए है क्योंकि रामायण के सभी कांडों में, अन्य कांडों में, सबके जीवन में अशांति देखी गई है। आप देखोगे, आपने शायद विचार किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं आपको विचार दे रहा हूं। रामायण के जितने भी अन्य सोपान हैं, अन्य कांड हैं, उसमें अशांति बनी है। बाल कांड से शुरू कीजिए तो सबसे पहली अशांति दशरथ को थी। एक बार भूपति मन माही भये गलानी मोरे सुत नाय। अब देखो लाखों लाख नौकर चाकर राज रजवाड़े सब कुछ है महाराज दशरथ के पास, अनेकों पत्नियां हैं, लेकिन फिर भी अशांति थी। और गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, संतान सुख नहीं मिलेगा, गुरु जी की कृपा से चार पुत्र हुए। तो दशरथ अशांत, कुछ देर के बाद देखा तो विश्वामित्र अशांत, वो आए दशरथ जी के पास, हम अशांत हैं क्योंकि वह हमारे यज्ञ में विघ्न हो रहा है। फिर आगे चले तो बिचारी अहल्या अशांत मार्ग में पड़ी है, देखो अशांति देखिए। फिर और आगे बढ़े, जनकपुर में गए तो जनकपुर में आए हुए जितने भी राजा महाराजा थे, धनुष नहीं टूटा इसलिए वो भी अशांत। राजाओं से धनुष नहीं टूटा देखा तो जनक जी भी अशांत। अब तो समझ में आ रहा है ना, बालकांड, ये सारी कथा बालकांड की है। सो बालकांड में सब अशांत। उसके बाद दूसरा कांड आता है अयोध्या कांड, यहां पर भी अशांत। अयोध्या कांड में तो पूरी अयोध्या में अशांति है। सबसे पहली अशांति कब हुई जानते हैं, महाराज दशरथ ने अपना मुंह चेहरा उस मिरर में देखा और देखा कि दो तीन बाल सफेद हो गए हैं,
अशांत हो गए, अरे रे 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 रे, हम लोग भी नहीं हो जाते हैं अशांत। फिर राजा ने राम को राजा बनाने के लिए आदेश दे दिया, तो मंथरा अशांत, देवता अशांत, मंथरा की बात सुनकर कैकेयी अशांत, कैकेयी की बात सुनकर बेचारे दशरथ अशांत, इस बातों को सुनकर पूरी अयोध्या अशांत, सुमंत्र जी अशांत। तो मैं गलत नहीं हूं ना, बालकांड में भी अशांति है, अयोध्या कांड में भी अशांति है। फिर आगे बढ़े अरण्य कांड, तो हमने इसके पहले ऑनलाइन जो कथा चलती ना उसमें हमने सुना, अरण्य कांड में राम और सीता थोड़े सुखी थे चित्रकूट में, लेकिन इंद्र का पुत्र जयंत अशांत है कि कोई गृहस्थी इतना सुखी कैसे हो सकता है, ये जल रहा है अशांत। फिर जयंत के बाद वो सूपनखा का प्रसंग हुआ और रावण के पास गई तो रावण अशांत हुआ, रावण मारीच के पास गया तो बेचारा मारीच अशांत हुआ, और रावण सीता जी का हरण करके चला गया तो कभी अशांत नहीं होने वाले भगवान राम अशांत हो गए हैं। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी रो रहे हैं, राम जी पूर्ण अशांत है। अब यहां अरण्य समाप्त हुआ, किष्किंधा प्रारंभ होते ही बिचारी शबरी अशांत, आगे बढ़े तो सुग्रीव अशांत, बाली के साथ वध किया बाली अशांत, वानरों को भेजा सीता को खोजो वानर भी अशांत हुए, समुद्र पार करना हुआ तो पूरी सेना अशांत, संपाति अशांत, तो किष्किंधा कांड में भी अशांति। उत्तर कांड में आगे चले तो उत्तर कांड में सारे अयोध्यावासी अशांत, क्योंकि सीता को त्याग किया ना तो अयोध्यावासी अशांत है। तो अब मैंने सारे कांड गिना दिए, इन सारे कांडों में सब दुखी आत्मा है, लेकिन सुंदर कांड में कोई अशांत नहीं, सब लोग शांत है। सुंदर कांड में हनुमान ने सबको प्रसन्न कर दिया। इस कांड का नाम सुंदर कांड इसलिए है, बाकी अन्य कांडों में तो अशांति है, दुख है, प्रॉब्लम है, लेकिन इस सुंदर कांड में सबसे पहले जो वानर अशांत थे, हनुमान जी गए और सीता जी की खबर लेकर आए, सारे वानर शांत हो गए, मतलब प्रसन्न हो गए। आगे चले तो सुरसा नाम की राक्षसी आएगी, हनुमान जी ने उनको शांत कर दिया, फिर सिंह का नाम की राक्षसी को भी शांत कर दिया, फिर लंकिनी, लंका आज शायद हनुमान जी पहुंच जाएंगे, तो लंकिनी को भी हनुमान जी ने शांत कर दिया। हनुमान जी सीता की खबर लेकर आए, राम जी को खबर दी, तो सीता की अच्छी खबर सुनकर, उनकी सुध बुध सुनकर राम जी भी शांत हुए। राम जी का मैसेज हनुमान जी ने सुंदरकांड में सीता को दिया, तो राम जी का मैसेज सुनकर सीता जी भी शांत हुई। विभीषण के साथ हनुमान का मिलन हुआ, विभीषण भी परम शांत हुए, सीता जी का दर्शन करके स्वयं हनुमान जी शांत हुए। और इतना ही नहीं, रावण की लंका में हनुमान ने अक्षय कुमार को शांत कर दिया और रावण की आधी सेना को शांत कर दिया, और रावण के लंका में जितने भी लोग रहते थे सभी भक्तों को शांत कर दिया। सो कुल मिलाकर रामायण के अन्य कांडों में अशांति है, परंतु इस कांड में, इस सोपान में शांति ही शांति है, इसलिए
इस कांड को सुंदर कांड कहा जाता है। तो सुंदर कांड क्यों है, इसके 12 कारण हम सब ने श्रवण किए। आइए, फ्लाइट रनवे पर खड़ी है, सब चेकिंग हो चुका है। हनुमान जी महाराज यहां तक कह दिए कि मेरे अंदर तो इतना सामर्थ्य दिख रहा है कि रावण के गले में रस्सी डालकर घसीट कर यहां पर लेकर आऊं, पूरी लंका में लंका हती न हती करी नाखू, लंका नो नक्शो दुनिया माथे निकाली दऊ, सीता को उठाकर लेकर आऊं, बताओ मुझे क्या करना है नेक्स्ट। तब हनुमान जी महाराज जामवन जी से निवेदन करते हैं कि हे जामवन जी, कृपया करके आप हमें बताइए क्या करना। तब जामवन जी ने हनुमान को रोका, हमारी भाषा में टोका, बोले भाई इतना कुछ नहीं करना है, केवल सीता को देखकर वापस लौटना है। मैं स्पेशली ये श्लोक इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया कि जब जामवन जी ने हनुमान जी महाराज को टोका तो हनुमान जी को कैसा लगा। क्योंकि हमारे जीवन में अक्सर क्या होता है, कोई वरिष्ठ, कोई गुरु जब हमें टोकते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। दुखी क्या, हम गुरु से दुश्मनी कर लेते हैं, गुरु का फोटो घर पर रखते हैं, गुरु को देखते ही प्रणाम करते हैं, लेकिन कदाचित गुरु हमको टोक दे ना तो हम गुरु को अपनी डिक्शनरी से ही निकाल देते, ये गुरु कुछ काम का नहीं है। मुझे बताइए, हमें गुरु नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेंगे। एक बात याद रखिएगा, दुनिया के सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, अपना काम निकालने के लिए मस्का पॉलिश बहुत चलता है, लेकिन हमारे लिए सत्य क्या है, सच क्या है, ये हमको कोई गुरु ही बताएगा। और गुरु सब गुरु नहीं बताएंगे, जो दान दक्षिणा डोनेशन के चक्कर में पड़े हैं वो तो यही कहेंगे जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, इस दुनिया में सबसे अच्छा मेरा चेला है। ऐसे गुरु को पाकर तो तुम बने गुरु, हम बने चेला, हम दोनों मिलकर करे ठेलम ठेला, ये गुरु भी नरक में, चेला भी नरक में। सदगुरु वो है जिसके अंदर ताकत होती है, कौन सी ताकत, अपने शिष्य की कमी को परखना और उसे बताना। शिष्य को प्रसन्न, गुरु यदि शिष्य को प्रसन्न करना चाहे तो शिष्य की प्रोग्रेस, प्रगति हो ही नहीं सकती। इसलिए गुरु तो उसे कहेंगे जो है वो सत्य बताए, और हमारे अंदर भी गुरु के मुख से सत्य सुनने की ताकत होनी चाहिए। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे हम लोग सत्य सुनने की ताकत खो चुके हैं। हमारे अपने मां बाप क्या हमारे लिए गलत सोचेंगे, जिस माँ ने 9-9 महीने तक पेट में पाल कर बड़ा किया, जिस पिता ने हमें कितना कुछ नहीं दिया, क्या हमारे लिए गलत सोचेंगे। लेकिन ऐसे माता पिता कभी कभार हमें कुछ रोकते टोकते हैं तो हम बुरा मान जाते हैं और माता पिता के ऊपर दोषारोपण करते हैं। ये कोई सज्जनता नहीं है, ये जेंटलमैन का स्वभाव नहीं है। इसलिए ये श्लोक मैंने आपके सामने रखा कि प्रश्न पूछा गया कि जामवन जी ने हनुमान जैसे हनुमान को टोका, रोका, तो हनुमान जी को कैसा लगा। तो देखिए यहां पर, जाम्बवंत के वचन सुहाए, बोलिए जाम्बवंत के वचन सुहा, सुनी हनुमंत हृदय अति भाये, सुनी हनुमंत हृदय अति भाये। जामवंद के वचन, जामवंद जैसे गुरु के वचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे, सुहाए माने सुहावने लगे, बहुत अच्छे लगे।
हमारे अपने माँ बाप या हमारे अपने बड़े या हमारे गुरु जब हमें डांटते भी हो ना, तो हमें आनंद का एहसास करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जो अपने होते ना वही डांटते हैं। आप राह चलते किसी को डांटोगे नहीं, क्योंकि वो सब पराए हैं। कोई आदमी किसी को क्यों डांटेगा, क्योंकि उसे अपना समझता है, उसे अपना मानता है। तो जो गुरु अपने शिष्य को अपना मानते हैं उसे डांटा करते हैं, और वो डांट जो है वो डांट नहीं, वो वरदान होता है, वो शिष्य के प्रोग्रेस का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमारे देश के संतों ने एक कहावत कही, एक दोहा लिखा, गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सवार दे बाहर मारे चोट। गुरु का काम कैसा है, कुंभार जैसा। कुंभार मटका बनाता है ना, मटका बनाता है, माटी को पेलता है, शेप देता है, अग्नि में पकाता है और फिर उसे मारता है। इसे बाहर से किसी को लगता है कि ये तो मटका फोड़ने के लिए बैठा है, मारता है, लेकिन वो अंदर से एक हाथ रखता है ताकि वो फूटेगा नहीं, लेकिन वो मारेगा, वो चेक अवश्य करेगा। तो गुरु कुंभार की तरह होता है, अपने शिष्य को चेक करने के लिए कभी कभी शिष्य को मारता, मैंने थप्पड़ नहीं, डांटता है, शिक्षा हेतु कुछ टोकता है, कुछ रोकता है। और जब कोई गुरु रोके टोके तो अपने घर पर उत्सव मनाइएगा, यह सोचकर कि किसी गुरु ने मुझे अपना समझा है इसलिए मुझे रोक रहे हैं, अपना अधिकार बता रहे हैं। जिस पर अधिकार होता है उसी को तो रोका जाता है। तो जामवंत के वचन सुहाए हनुमान जी को। अब जामवंत तो बूढ़ा था, वो तो समुद्र पार नहीं कर सकता था, हनुमान जी तो उससे भी महान थे, लेकिन फिर भी बड़े बड़े होते हैं भक्तों। जो बड़ा वृक्ष होता है ना, वो चाहे फल देना बंद कर दे लेकिन छांव देना कभी बंद नहीं करता। हमारे बड़े बुजुर्ग चाहे उनका शरीर काम न करता हो, लेकिन बुजुर्गों के छांव में, गुरु की छांव में यदि हम बैठेंगे ना, तो सदैव प्रोग्रेस करेंगे, सदैव प्रगति करेंगे। सो जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमंत, हनुमान जी को गुरु के वचन भाए, माने हम आपने गुजराती में कहो भाईवा, तमे गुलाब जांबू खाओ तो केवू भावे, आ ત્રણ દિવસથી શીરો બને છે કેવો ભાવે, શીરો ખાય ખાય નહીં અહીંયા સુવાનું, લેકિન સોતે કોઈ નહીં હૈ, એ બહુ અચ્છી વાત હૈ, તો પ્રસાદ લેકર તો થોડી નીંદ આતી હૈ, બહુ અચ્છા હૈ, કોઈ એક આદમી ભી નહીં સોતા। તો જામવંત કે વચન સુહાય ઓર બહુ હૃદય મે બહુ અચ્છે લગે। હનુમાનજી તૈયાર હૈ, સાથીઓ સે મિલ રહે હૈ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन हनुमान जी ने अपने साथियों को एक बात कही, दिखाइए जरा। हम श्लोक साथे मजा आवे सिंह तुमने, वांधो नहीं थे ने, हाँ देखिए, क्योंकि कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, कथानक तो कुछ लोग कहेंगे कि अरे बाप रे, ये तो लंका भी नहीं पहुँचे, लंकिनी को नहीं मारे, आ बधु करवा मारे 5 मिनट लागे हो जो करवू हो तो। लेकिन जो सिंसियर श्रोता होते हैं, सीनियर श्रोता होते हैं, वो किसी भी प्रसंग सब्जेक्ट की गहराई में जाते हैं। आप समझ रहे हो ना, कुछ दिन से हम लोग कितने गहराई से एक एक पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं, इसे आस्वादन कहते हैं। तो हनुमान जी अपने साथियों को कुछ कह रहे हैं। हनुमान हनुमान है, मैंने पहले ही कहा, सेवा धर्म जो है ना, हनुमान जी से सीखिए, क्या सेवक है ये। अब हनुमान जी अपने, अब तो गुरु जी का वचन सुना, वो तो अपने से बड़े हैं, अब हनुमान जी अपने बराबरी वालों के साथ क्या चर्चा किए, तो यहां पर कहते हैं, तब लगी मोही परिखेऊ तुम भाई, सही दुख कंद
मूल फल खाई जब लगिया वो सीत ही ते ही देखी हो ही का जो मोहि हर्ष विशेषी। बहुत सुंदर बात है। हनुमान जी अपनी समान उम्र वाले अपने समान कैटेगरी वाले को क्या कहते हैं, तब लगी मोही परेखे हूं तुम भाई, हे मेरे भाई। अब यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पढ़कर सुनकर कि हनुमान जी अब उड़ने के लिए तैयार हुए तो उनमें से कुछ होंगे ठीक है वो जा रहा है वहां हम जाते हैं घर पे, तो वो जा ही रहा है ना वो तो आ जाएगा किष्किंधा में, तो दो पांच होंगे वो घर पर जाने के लिए तैयार हुए होंगे कि हमारा काम तो यहां खत्म हो गया तो हनुमान जा रहा है। तब हनुमान जी ने कहा मेरे भाई आप रुको रुको, आप में से कोई भी किष्किंधा वापस मत जाना। तेमां मारीन मधुसूदन प्रभु जेवा बे त्रण हता, हवे अहींया रहेशू तो खाशू शू अमे, कारण के अमे तो रोज ढोकळा खाईए खमण खाईए। और यहां मंगल मंदिर में प्रसाद बहुत बढ़िया बनता है। एक बार मंगल मंदिर में प्रसाद बनाने वाले स्वयं सेवकों के लिए जोर से महामंत्र बोला जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या प्रसाद बनाते हैं, इसमें मिठास क्यों है बताए। ये जो मंगल मंदिर में प्रसाद बनता है, हूँ आ शीरो खाए ना वो एटले कहू छू, एकादशी शीरा खाया मैंने, लगभग पौना किला खा गया। आपकी भाषा में उसको ढाई पाउंड कहते हैं। हे पाछ हूँ आऊ कहूँ तो मारे शू थे, जेना घरे जाऊ शीरो ज बनावे। हूँ तो मजाक में कहते हो पी शीरो बनावे। एक बार कोई ना घरे प्रसाद लेवा गयो तो जे आपड़ी साथे मधुसूदन प्रभु तो नहीं पण एवा भक्तो होय ने ई वधारे आग्रही होय एम भाव कोई, तो आपणे बैठा खीर पूरी दाळ भात शाक रोटली बधुं आव्युं, पछी पापड आव्यो तो जे भक्त हता ने पापड भांगी तोड़ीने चार भाग करीने मारी थाळीमां मूक्या अने घरधणी जोई गया। હવે જેના પણ ઘરે જાઓ મને પાપડ ભાંગીને જ આપે, મારે ક્યારે આખો પાપડ તો ખાવા મળ્યો જ નથી મને, મતલબ એ ફિર એક એક પરંપરા હો જાતી હૈ। એટલે શું અમે પાપડે નહીં ભાંગી શકતા હોઈએ? અમુક માતાઓ જોબ કરતા હોય તો એમને એટલું પ્રસાદ બનાવવામાં એટલી ઓલી ના હોય, કેમ બિચારા આખો દિવસ જોબમાં હોય અને એ અમને આમંત્રણ આપે અને પછી એમના ઘરે પ્રસાદ લેવા જઈએ, પ્રસાદ તો લઈએ પછી આપણને પૂછે કેવું લાગ્યું તમને, એટલે અમારે જ ખોટું જ બોલવાનું ને, મતલબ શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું છે ખોટું બોલો તો નરકમાં, એટલે અમારે તો નરક જ મળવાનું અમને તો। અમુક માતાઓના હાથમાં કળા એટલે તમે જુઓ, લાપસી ખાવ તમે, લાપસી આપણે ત્યાં લાપસી બને, લાપસી ખબર છે ને, આ ગુજરાતીમાં જ લાપસી હોય રાકેશજી, હિન્દીમાં લાપસી નહીં હોતી એટલે આ ગુજરાતીમાં જ મારે બોલવું પડે। અમુક માતાઓ લાપસી બનાવે તો કેવી સુંદર કળા હોય, આમ ફૂંક મારીએ તો ઉડી જાય એવી લાપસી બને, અને અમુક માતાઓ લાપસી બનાવે પણ હદ કરે। પંગતમાં અમે બેઠેલા અને લાપસી પીરસાણી, પણ લાપસીનું આમ લોંદો ઉપરેલું તો થાળી સાથે ઉપર આવે, આંખે જોયેલી વાત કરું છું તમને, લાપસી એટલે થાળી ઉપર આવે, થાળી નીચે મૂકીએ થાળી ફરીથી ઉપર આવે, લાપસી ખીચું આપણે થોડી વાર તો બાજુમાં જોઈએ તો ઓલો બાજુવાળો આપણે આપણને એમ થાય કે આપણાથી નથી થતું, બાજુમાં આ પ્રોબ્લેમ છે, કદાચ આપણે આપણી પર ડાઉટ જાય, બાજુમાં જોયું તો થાળીની કોરે લાપસીના કટકા કરે, ઈ પરેશાન, એની પછી જોયું તો એ તો લાપસીનો હાથી બનાવ્યો,
તેને પૂછે લાપસીનો હાથી હાથી આ હાથી હાથી બની જાય પછી ભેંસ બનાવી છે બાકી ખાઈ બીજો કુછ માતાઓ કે હાથો મેં રોનક હોતી હૈ અદભુત ઓર ફિર વો માતા પૂછતી હૈ કે આપકો પ્રસાદ કૈસા લગા એક બેને સુખડી બનાવી હલવા દઉં હા અમને તો કેટલા અનુભવ હશે તમે કહો હવે તો મેં આ બધું ઓછું કર્યું છે મધુસૂદન પ્રમાણે હું ના જ પાડું તમે આ રહેવા દો તો એક બેને સુખડી બનાવી એટલે હું ક્યારેક બોલ્યો હશે કથામાં સુખડી હું તો આનંદમાં બોલી જાઉં પછી આ લોકો લખી નાખે આ અમારી માતા શાર્લોટે જ આવું કરેલું છે સુખડી બનાવી સુખડી હમણાં નથી બનાવ્યું આ તમે અમને પ્રસાદ લેવા ગયા સુખડી પીરસાણી સુખડી તૂટે નહીં કેવી ચાસણીમાં બનાવી હશે હે સુખડી ભાંગે નહીં એક માણસ તો સુખડીની ઉપર થાળી મૂકીને આખો ચડી ગયો પણ છતાંય ન ભાંગી તો બીજો માણસ બંદૂક ગોતવા ગયો આને ભડાકે દો તો તૂટે એમ છે પણ હવે ભગવાનનો પ્રસાદ એને કચરામાં ફેંકાય નહીં હવે આનું કરવું શું તો મનમાં વિચાર થયો ભારતની વાત છે આ સુખડી આપણે રોડ ઉપર નાખીએ કૂતરાઓ તો કમસે કમ ખાય હે તો ગરધણી આમ કંઈક સાઈડમાં ગયા હતા ગરધણી સમજો ને તમે જેના ઘરે પ્રસાદ લેવા ઓ સાઈડમાં ગયા તો બારી મેં છે સુખડી કે દો તીન કટકા કા ઘા કર દિયા બોલીને ખબર ન પડે એમ અરે તમે તો જલ્દી જલ્દી ખાવ હા ખાઈ ગયા અમે સુખડી સુખડી બહાર ફેંકી એક કૂતરો આવ્યો તો આપણને મનમાં શાંતિ થઈ ચાલો આપણા પેટમાં નહીં કૂતરાના પેટમાં તો ગઈ પ્રસાદ કૂતરાના પેટમાં તો ગયો મનમાં શાંતિ થઈ આનંદ થયો પ્રસાદ લીધો ને અડધો કલાક પછી ઘરેથી બહાર નીકળ્યા તો કૂતરો ત્યાં નહીં પણ સુખડીનું બટકું એમને એમ પડ્યું હતું અને સુખડીના બટકામાં કૂતરાના બે દાંત કૂતરાના બે દાંત તૂટી ગયા પણ સુખડી ન તૂટી એ કૂતરો એ ગલીમાં શેરીમાં આવવાનું જ ભૂલી ગયો મરી જાવ તો મરી જાવ પણ આ શેરીમાં આવે એ બીજો અમુક માતાઓના હાથમાં એવી કળા હોય કે કૂતરાઓને શેરીયું ભૂલવાડી દે કૂતરાઓને બીજા માર્ગ ચડાવી દે પછી આપણને પૂછે કે કેવું પ્રસાદ બન્યો છે એક ભાઈને તો ત્યાં એવું થયું હવે આ તો મારી આખી કથા ચાલુ થશે આવી કથા ગોઠવજો પ્રભુજી આપકા અનુભવ મારે આની ઉપર 7 દિવસ કથા કરવી છે ઘાટ ઘાટના 350 કથા એમનેમ થાય અરવિંદભાઈ ઘાટ ઘાટના પાણી પીધા એકને ત્યાં તો રોટલી શાક દાળ ભાત બધું બનેલું પણ રોટલી કાપીને આમ આપણે આપણે કટકા કરીને ખાઈને પણ કટકા ઓલરેડી કરેલા હતા તો અમે તો ગદગદ થઈ ગયા ઓહો હો કેટલો ભાવ આમનો કે રોટલીના બટકા ન કરવા પડે અને ઓલરેડી બટકા કરેલા આમ સીધા જ ખાવાના ત્યારે એનો પતિ બોલ્યો આને ગોળ રોટલી કરતા નથી આવડતી ખેર લેકિન યહાં પ્રસાદ બહુત અચ્છા હૈ આઈએ યહાં આતે તમને આવું બધું સાંભળવું બહુ ગમે મને ખબર તો હનુમાનજી હમ 21 પોઈન્ટ પર કહે રહા થા હનુમાનજીને કહા કે હે મેરે ભાઈ તુમ લોગ ઘર જાને કા પ્લાન કર રહે હો મેં સમજ રહા હું લેકિન જાના મત તો મેં ઇસ પોઈન્ટ પર થા હમ લોગ જૈસા આદમી થે બોલે યહાં ખાયેંગે ક્યા તો હનુમાનજી ક્યાં કહેતે હૈ સહી દુઃખ થોડા સા દુઃખ સહન કર લેના કંદ મૂલ ફલ ખાઈ થોડા સા કંદ મૂલ ફલ ખા લેના લેકિન મેરે ભાઈ જબ તક મેં વાપસ ના આઉં તબ તક આપ લોગ યહાં પર હી રહેના તો બોલે ક્યું હમ લોગ યહાં રહે માન લો યે લોગોને પૂછા કે હનુમાન હમ લોગ યહાં પર ક્યું રહે તબ હનુમાનજી કહેતે હૈં જબ લગી આવો સીતહી દેખી આપ તબ તક યહાં પર ખડે રહો
जब तक मैं सीता जी को देखकर वापस नहीं आता हूं। तो उनमें से दो पांच बोले, इतना और कॉन्फिडेंस, मतलब हनुमान जी आपको पता ही है कि आप सीता को देखकर ही आओगे, अभी तो गए नहीं है ना, उड़ान भरी नहीं है। लेकिन हनुमान जी कितने कॉन्फिडेंस में थे, जब तक मैं सीता को देख कर ना आऊं आप यहीं कंदमूल खाकर खड़े रहना। बोले हनुमान जी आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि आप सीता जी को देख कर ही आओगे। हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत दे दिया। वो सिद्धांत क्या था, हो है ही काज मोहि हर्ष विशेषी, क्योंकि मैं ये जो करने जा रहा हूं मेरे हृदय से आनंद की अनुभूति हो रही है। सीता को खोजने के लिए मैं जा रहा हूं तो मेरा हृदय नाच रहा है। अपने गुजराती में हमने अंदर थी आनंद उमड़को आवे छे, हमने अंदर थी आनंद थई रह्यो छे। मारे ने तमारे आ समझवू पड़शे कि कोई पण सत्कर्म आपणे करता होईए अने ई सत्कर्मनी प्रारंभे जो आपणा हृदयमां आनंदनी अनुभूति थती होई तो समझवू कि आ सत्कर्म आपणुं सफळ थशे, आमां निश्चित आपणने सफळता मळशे। અને કોઈ પણ કર્મના પ્રારંભમાં જો હૃદયથી આનંદ ન થતો હોય તો હું તમને સલાહ આપું કે એ કર્મ જ નહીં કરતા। અમુક લોકો દાન દક્ષિણા આમ 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 રડતા રડતા આમ હૃદય મેં દુઃખ દુઃખી દુઃખી હોકર દેતે, આપ દેના હી મત કભી, આપકો આનંદ નહીં હોગા। સેવા આદિ મેં આનંદ હોના ચાહીએ। તો હનુમાનજી કા યે સિદ્ધાંત હૈ કે मुझे कार्य के प्रारंभ में आनंद हो रहा है, इसलिए निश्चित मेरा ये कार्य पूर्ण होगा। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि जहां सत्संग होता है वहां भगवान प्रकट होते हैं, बात बिल्कुल सत्य है। ये भी सत्संग हो रहा है, कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते हुए आपको आनंद आ रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, इसलिए तो कई घंटों भर आप बैठते रहते हो, बारंबार आते रहते हो, क्योंकि आनंद मिल रहा है। और यदि आनंद मिल रहा है तो आनंद क्या है, आनंद स्वयं भगवान ही तो है। नंद के घर पर आनंद भयो, आनंद कौन, स्वयं कृष्ण है। आपको कथा सुनते हुए हरि भजन करते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है, वह आनंद ही तो कृष्ण है, वह आनंद ही राम है, वह आनंद ही ईश्वर है। सो हनुमान जी ने क्या कहा, मुझे हर्ष विशेषी, मुझे विशेष आनंद हो रहा है, मतलब भगवान की कृपा है। सो निश्चित मैं सफल होऊंगा, जब तक वापस ना आऊं मेरे भाई आप यहीं खड़े रहना। हनुमान ने अपनी सीक्रेट बात ओपन नहीं की, लेकिन मैं आपके बीच में कर दूं ओपन। हनुमान जी का भाव क्या था जानते हैं, बोले ये लोग वापस चले जाएंगे कैसे, धोयेले मूड़े की तरह, धोयेला वॉशेल मूड़ा, मूड़ा ना के भाई ये उस क्या इंग्लिश में था ना, वॉशेबल, खोटू खोटू ना सीखवाड़ो तमें मने। खैर तो ये लोग धोयेल मूड़े की तरह जाएंगे और भगवान राम कहेंगे कि सीता को खोज के आए, तो बोले कि हम तो नहीं कर पाए, हनुमान गया है। तो ये तो राम जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। ओके, तो हनुमान जी ने क्या सोचा, फिर मैं सीता जी को देख कर आऊंगा और अकेला राम के पास जाऊंगा तो राम की कृपा का भाजन मैं अकेला बनूंगा। लेकिन हनुमान की, इनका दिल कितना विशाल है कि सीता को खोजने का यश मुझे अकेले को नहीं मिलना चाहिए, मेरे सारे मित्रों को मिलना चाहिए। कितना ऊंचा विचार, कितनी बड़ी बात। एक और हम लोग करते हैं कोई और यश लेते हैं हम लोग, लेकिन दूसरी ओर हनुमान जी करते हैं स्वयं लेकिन यश देते हैं सबको। ये सेवक का धर्म है। भक्तों हम मंदिर में संस्था में कभी भी सेवा करें ना तो दूसरों को यश देना सीखे। ज्योति बेन ने काले पर्सनली मारी पासे आया अने मने हाथ जोड़ता जोड़ता निवेदन करे कि तमे मारू नाम नहीं लेता,
હું બહુ તુચ્છ છું, તોય લેવાઈ ગયું ને જો, મારે નહીં લેતા એ કહેવા માટે લેવાઈ ગયું. યે સેવક કા ધર્મ હૈ, વો 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 બહોત કુછ કરતે હૈ. અબ દેખો મંદિર કે કાર્ય કરતા તો કિતની બડી રિસ્પોન્સિબિલિટી હોતી જાનતે હૈ. ઘર મેં પતિ એક એક બચ્ચે કી જિમ્મેદારી મેં આદમી થક જાતા હૈ. ઓર કિસી સંસ્થા કો ચલાના ઓર સંસાર કો ચલાના દોનો સમાન હોતા હૈ. અહીંયા તો બધી કેટેગરીના ભેગા થાય. દાળમાં આ ઓછું છે, શાકમાં આ ઓછું છે, ફલાણું આમ છે, એસી તમે ફાસ્ટ રાખો, એસી ઓછું રાખો, અહીં કંઈ ઓછું માથાકૂટ હોય. હે, આ બધું અમે કરેલું છે, અમને ખબર હોય. સલાહ દેને વાલે બહોત મિલતે હૈ, સહકાર વાલે બહોત કમ હોતે હૈ. કહેને કા અર્થ યે હૈ કે હનુમાનજી કા ભાવ દેખો, સીતાજી કો ખોજને કા યશ મુજે અકેલે કો ન મિલે, મેરે સારે મિત્રો કો મિલે. જીવન મેં કોઈ ભી કાર્ય કરે ના તો વો યશ દૂસરો કો દેના સીખે. ઇસસે દુનિયા વાલે ઇસ બાત કો સમજે યા ન સમજે, પરમાત્મા સમજતે હૈ. ઓર ઈશ્વર જબ યે દેખેંગે ના તો બહોત પ્રસન્ન હોંગે. આ આ આપ અપને જીવન મેં દેખો ના, આપકે દો તીન બચ્ચે હૈ આપકે ઘર પર. દો લડકે ને કુછ નહીં ક્યા, એક લડકા મહેનત કરકે કોઈ ચીજ લેકર આપ આયા હો, ઓર દો ને કુછ નહીં ક્યા, લેકિન જો મહેનત કરકે આયા હૈ, માં બાપ પૂછે કે યે કોણ લાયા, ઓર વો લડકા કહે કે વો જો દો હૈ ના વો યે લેકર આયે હૈ, વો તો કુછ નહીં કિયે. લેકિન માં બાપ કો જિસ દિન પતા ચલેગા કે અરે હમારે બચ્ચો મેં કિતના પ્યાર હૈ, કોઈ ભી યશ મિલતા હૈ તો મિલ બાંટ કર, ઈશ્વર પ્રસન્ન હો જાતા હૈ. તો દૂસરો કો યશ દેના, ઇસે શાસ્ત્રીય ભાષામાં કહેતે હૈ અમાનીના માન દેના. કભી કભી યે પ્રશ્ન હોતા હૈ કે યશોદા કા પુત્ર બનકર કૃષ્ણ ક્યું પ્રકટ હુઆ, દુનિયામાં કોઈ માં નહીં થી, યશોદા કા હી બેટા ક્યું, ક્યોંકિ યશોદા કે નામ મેં હી ઇસકા ઉત્તર હૈ. યશોદા કી સંધિ વિચ્છેદ કરો તો યશ ઓર દા, યશ પ્લસ દા, યશોદા. યશોદા માને યશ ઓર દા માને દેના, જો દૂસરો કો યશ દેતી હૈ, કામ કરતી હૈ સ્વયં, લેકિન વો અપને કામ કરને કા યશ દૂસરો કો દેતી હૈ, યશ દા. ઓર જો સ્વયં કામ કરે ઓર દૂસરો કો યશ દે, ઉની કે ઘર પર ભગવાન પુત્ર બનકર પ્રકટ હોતે હૈ, યશોદા. હનુમાનજી મહારાજ કહે ઇસ પ્રકાર સે. ઓર ઇતની બડી શક્તિ સામર્થ્ય, જરા આગે બઢીએ, હા ઇતની બડી શક્તિ સામર્થ્ય હૈ, લેકિન ફિર ભી હનુમાનજીને ક્યાં ક્યા, યહ કહી નાય સબહી કહું માતા, ચલે હરશી હિય ધરી રઘુનાતા. ઇસ પ્રકાર સે કહેકર શ્રી હનુમાનજી મહારાજ સબકે ચરણો મેં અપના માથા નવાયે હૈ, સબકે ચરણો મેં અપના મસ્તક ઝુકાયે. ઓર હનુમાનજી મહારાજ અપને હૃદય મેં રઘુનાથ કો ધારણ કરકે, રામજી કો ધારણ કરકે ચલને લગે. હનુમાનજી ચલને લગે તો હનુમાનજી ને ક્યાં ક્યા, 100 યોજન કા સમુદ્ર લાંઘના થા. આપ લોગ ઘર પે જા, યહાં મત કરના, ઘર પે જાકે થોડા લાંઘ કર કો તો દેખો, ફિર થોડા રનિંગ લે લીજિયેગા, ઓર રનિંગ લેકર કિતના લોંગ જમ્પ કર સકતે હૈં, તબ જાકર ઇસકી વેલ્યુ સમજ મેં આયેગી. 100 યોજન કા સમુદ્ર થા ઓર એક છલાંગ મેં 100 યોજન લાંઘના થા. ઓર ઉસ 100 યોજન કો લાંઘને કે લીએ હનુમાનજીને સોચા થોડી હાઇટ લે લું, થોડી હાઇટ, થોડે કદ પર ચલા જાઉં. હનુમાનજીને દેખા કે વહાં પર ઉસ સમુદ્ર કે તટ પર એક પર્વત થા. આગે સિંધુ તીર એક ભૂધર સુંદર કૌતુક કૂદી
चले ऊपर। सिंधु तीर समुद्र के तट पर एक भूधर सुंदर है। भूधर, भू को धारण करने वाला माने पर्वत, एक पर्वत था। कैसा पर्वत था? सुंदर पर्वत था। अब इस पर तो आचार्यों ने क्या क्या लिखा है, सिंधु तीर एक भूधर। अब आप इमेजिन कीजिए, हनुमान जी सबको मिल लिए हैं, अब सबसे वहां से चल पड़े हैं। अब सोचना है कि पार करना है, तो उनको एक एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत था भूधर सुंदर, सुंदर पर्वत। तो मन में प्रश्न हो सकता है कि यह पर्वत सुंदर क्यों है? क्या इस पर्वत का नाम सुंदर पर्वत है? तो कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि हाँ, इस पर्वत का नाम सुंदर पर्वत या सुंदराचल पर्वत, इसलिए यहां पर भूधर सुंदर कहा गया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में यदि हम चलें, तो वाल्मीकि रामायण का मत ऐसा है कि इस पर्वत का नाम सुंदर नहीं है, इस पर्वत का नाम है महेंद्रगिरी। ये महेंद्रगिरी पर्वत था, तो फिर यहां पर सुंदर क्यों कहा गया? इनको कहना चाहिए ना कि सिंधु तीर महेंद्रगिरी। तो वाल्मीकि रामायण में महेंद्रगिरी लिखा। अच्छा, तो इस पर्वत को सुंदर, नाम महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी पर्वत को, अब जिस पर्वत से हनुमान जी छलांग मारेंगे उसका थोड़ा वर्णन तो होना चाहिए है? तो इस महेंद्रगिरी को सुंदर क्यों कहते हैं? क्या ये परिदृष्टि के रूप में सुंदर था? तो बोले हां, ये पर्वत वास्तव में सुंदर था। कारण एक, क्योंकि इस पर्वत में बहुत सुंदर बगीचे, सुंदर वृक्ष, सुंदर बागान। इस पर्वत में इतनी सुंदरता थी कि बड़े बड़े देवता इस पर्वत पर रहते थे। जब हम सुनेंगे कि हनुमान जी जय श्री राम बोलकर अपना पांव नीचे दबाकर ऊपर की ओर उड़ेंगे, बिल्कुल सरसराटी गति से जाएंगे, तो ये पर्वत कांप जाएगा हनुमान जी की उस पांव के दबाने से, और इस पर्वत में जितने भी जीव जंतु हैं वहां से उड़ जाएंगे, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाएंगे, जीव जंतु जब ये वहां से निकले तब इन सबको पता चला यहां तो देवता रहते हैं, बड़े बड़े सर्प, बड़े बड़े जीव जंतु यहां पर रहते हैं। सो ये पर्वत परिदृष्टि से मतलब देखने में सुंदर था, वातावरण की दृष्टि से सुंदर था, इसलिए इस पर्वत को नाम है महेंद्रगिरी। अच्छा, और एक पॉइंट मैं आपको कह दूं, फिर आगे शायद लंका कांड की कथा होगी नहीं, लेकिन दो चीजें हैं। यहां भारत से हनुमान जी उड़े तो उन्होंने पर्वत का सहारा लिया और उस पर्वत का नाम है महेंद्रगिरी। लंका से फिर वापस आना पड़ेगा ना, वहां भी कोई पर्वत खोजना पड़ेगा। तो लंका में जिस पर्वत पर चढ़े और उस पर्वत पर उड़कर हनुमान जी आए, उस पर्वत का नाम है अष्टगिरी। क्या नाम है? सॉरी, अरिष्टगिरी। अरिष्टगिरी ये आपके लिए नया होगा। अरिष्टगिरी के ऊपर चढ़े, वहां से कूदकर भारत वापस आए। खैर, अभी हमारा प्रश्न यह है कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। भूधर का, पर्वत का नाम तो महेंद्रगिरी है, लेकिन इसे सुंदर क्यों कहते हैं? एक, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसका पेट नेम सुंदर है। दूसरा, क्योंकि ये देखने में बड़ा सुंदर है। तीसरा, सुंदर सुंदर देवता, देविया, अप्सरा इस पर्वत पर रहती हैं, इसलिए ये सुंदर है। चौथा कारण, ये हनुमान जी कौन? शिव जी, शंकर स्वयं। तो हनुमान जी समझो या शिव जी समझो, इनके पवित्र चरण कमल इस पर्वत को स्पर्श होने वाले हैं, इसलिए ये पर्वत सुंदर हो चुका है। जब कोई संत, साधु, महात्मा के चरण हमें स्पर्श होना, तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। और एक कारण, यह पर्वत भक्ति और भगवान, शक्ति और शक्तिमान, भक्ति सीता, भगवान राम, शक्ति सीता,
शक्तिमान राम। ये पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, भक्ति और भगवान, शक्ति और शक्तिमान को मिलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रहा है। भगवान को अपनी पत्नी सीता को मिलने का प्रथम माध्यम ये पर्वत बनने जा रहा है। और रावण की सुवर्णमयी लंका को विनाश का मतलब हनुमान जी के लिए ये पर्वत जो है सुंदर क्यों, मैं ये पॉइंट कह रहा हूं। रावण की सुवर्णमयी जो लंका थी, उस सुवर्णमयी लंका को नष्ट करने की भूमिका और कोई नहीं, ये महेंद्रगिरी पर्वत बन गया। इसलिए इस पर्वत को सुंदर कहा गया। ये सारी बात भूल जाओ चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात महेंद्रगिरी पर्वत को गोस्वामी तुलसीदास जी ने महेंद्रगिरी नहीं कहा, उसे सुंदर पर्वत कहा। क्यों? क्योंकि जब कोई भक्त, जब कोई सेवक भगवान की सेवा करने चलता है और ऐसे सेवक को सपोर्ट करता है, उस सपोर्ट करने वाले का जीवन सुंदर बन जाता है। भगवान की सेवा करना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे शुद्ध हरि भक्तों की सेवा, ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा, ये उससे भी बड़ी सेवा है। हनुमान को सुंदर नहीं कहा गया, लेकिन हनुमान की जो सेवा कर रहा है आज, उसे सुंदर कहा गया। इस दुनिया में सेवा करने वाला परम सुंदर बन जाता है, इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लेता है। इस सुंदर पर्वत के विषय में बहुत सुंदर एक संत ने कहा। नेक्स्ट आप देखिए, आप देख सकते हो यदि आपको इंटरेस्ट हो तो। जिस गिरी पर रहते ऋषि मुनिवर किन्नर, ये महेंद्र गिरी कौन सा है? इस सुंदर पर्वत के विषय में ये रामायण का श्लोक नहीं है, ये अन्य है। तो ये वो गिरी है, ये वो पर्वत है जहां पर ऋषि रहते हैं, मुनि रहते हैं, किन्नर रहते हैं, और संग में हो विषधारी, और नाग लोक पाताल लोक के सर्प रहते हैं। विचरण करते हो सदा, सदा शुक मोर हंस कोयल प्यारी। ये वो पर्वत है वहां सुंदर शुक तोते, कोयल, मैना, हंस, मयूर, ये सब विचरण करते हैं। इसको सुंदर क्यों, एक एक लाइन में इसका उत्तर है। ऋषि मुनि आदि रहते इसलिए सुंदर हैं, फिर ये मयूर हंस इत्यादि रहते इसलिए सुंदर रहते हैं। गजराज जहां अलमस्त फिरे हो सिंह नाद वह चिंगारी। बड़े बड़े गजराज हाथी इस पर्वत पर मस्त होकर घूमते थे, बड़े बड़े सिंह नाद करते हुए घूमते थे। जो रघुवर के हाथों में हो जिसके माथे डमरू धारी। अब ये आचार्य का वचन यदि न लिया होता तो मैं भी चूक जाता। ये पर्वत की महिमा क्या है? जब ये पर्वत डूबा तो इसका भूक्का निकल जाता। आपने देखे ना, भूक्का बोला भी दे, हनुमान जी इस पर्वत से उड़े तो बेचारा ये पर्वत कलमला गया। लेकिन भगवान ने सोचा मेरा काम करने हनुमान जा रहा है, तो भगवान ने नीचे अपना हाथ रख लिया, बेचारे पर्वत को बचा लिया। तो क्या कहते हैं चौथी लाइन में, जो रघुवर के हाथों में हो। ये पर्वत रघुवर राम के हाथों में आया, तो पर्वत के नीचे क्या है? राम जी का हाथ। और पर्वत के ऊपर क्या है? हनुमान कहो या शिव कहो, उनके चरण है। जिसके नीचे राम का हाथ, जिसके ऊपर शिव और हनुमान, जिसके माथे डमरूधारी, वह भला असुंदर क्यों होगा, मधुकर सौभाग्य महाभारी। भला ये पर्वत, ये महेंद्र गिरी असुंदर क्यों होगा? क्योंकि इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर लिया, चरणों से सुंदर बना दिया, विचरे गिरी पर प्रलयंगकारी। और हनुमान जी ने अपने चरण स्पर्श करके इसे बार बार पवित्र कर दिया। तो हनुमान जी महाराज अब इस महेंद्र गिरी पर चढ़ चुके हैं, और मेरा भी थोड़ा सा खुल गया है। और हनुमान अब बिल्कुल ऊपर चढ़ गए हैं।
अब हनुमान जी महाराज ऊपर बिल्कुल महेंद्रगिरी के ऊपर चढ़े। यहां पर मैं आपको एक पॉइंट कहना चाहता हूं, हनुमान जी महाराज किसका काम करने जा रहे हैं और राम कहां रहते हैं? साकेत में, ऊंचे लोक में रहते हैं। देखो भगवान जो है ना बहुत ऊंची स्थिति में रहते हैं, स्थिति समझते हैं, ये हमारी आपकी वो वाली स्थिति नहीं, गरीबी अमीरी। हमारे शास्त्रों में स्थिति माने सत्वगुण स्थिति, रजोगुण स्थिति है ना, तमोगुण स्थिति, इसे स्थिति कहते हैं। तो ये स्थिति होती है तमोगुण रजोगुण सत्वगुण। भगवान की स्थिति कौन सी है? भगवान न तो रजो में है न तमो में है, सत्व में भी नहीं है, भगवान शुद्ध सत्व में है। अर्थात भगवान की स्थिति बहुत ऊंची हो गई, तमोगुण से ऊपर रजोगुण, रजोगुण से ऊपर सत्वगुण, सत्वगुण से ऊपर शुद्ध सत्वगुण। तो भगवान की स्थिति बहुत ऊंची है और उस ऊंचे रहने वाले भगवान को पाना चाहते हैं या फिर उस भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो हमको भी ऊंचा बढ़ना होगा, ऊंचा चढ़ना होगा। मानो हनुमान जी इस पर्वत के ऊंचे, पर्वत के शिखर पर चढ़कर हमें एक सिद्धांत दे रहे हैं कि ऊंची स्थिति में रहने वाले राम और कृष्ण को पाने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए हमें भी ऊंचा उठना होगा। ऊंचा उठने का अर्थ है तमोगुण से ऊपर उठो, रजोगुण से ऊपर उठो, एटलीस्ट सत्व गुण तक आ जाओ। भगवान शुद्ध सत्व में है, आप सत्व गुण तक आ जाओगे तो काम हो सकता है। तमोगुण में पड़े पड़े कोई कहे कि भक्ति करूंगा, तू सो जा, तेरे से भक्ति ना हो पाएगी। इस सिद्धांत को गीता में योगेश्वर ने कहा, त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन निर्दंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो और मुझे प्राप्त करो। तो हनुमान जी महाराज महेंद्रगिरी सुंदराचल पर्वत पर चढ़ चुके हैं। सुंदराचल पर्वत की टोच पे जाकर हनुमान जी ने अपनी एक दृष्टि से अपने टारगेट को देख लिया, समुद्र को नाप लिया और फिर अंत में हनुमान जी ने क्या किया, बार बार रघुवीर संभारी तर के ऊ पवन तनय बल भारी। अपने मन में अब बार बार रघुवीर राम जी का स्मरण कर रहे हैं। किसी भी कर्म करते समय ईश्वर का स्मरण हो तो समझो ये कर्म सफल है, उसके रिजल्ट की राह मत देखो। कर्म करते हुए ईश्वर का स्मरण हो रहा है, वो रिजल्ट आ चुका है, वो सफलता हो चुकी है। तो बार बार रघुवीर संभारी पर्वत के शिखर पर चढ़कर हनुमान जी महाराज रघुवीर को याद कर रहे हैं और जेही गिरी चरण देही हनुमंता। हनुमान जी महाराज ने उस महेंद्र गिरी पर अपना चरण दबाया, दबाना पड़ेगा ना, कूदने के लिए आपको यहां घुटन से नीचे बैठना होगा तब जाकर छलांग लगेगी। तो जेही गिरी चरण देही हनुमंता, जैसे हनुमान जी ने ऊपर छलांग मारने के लिए स्प्रिंग की तरह अपने चरण को दबाया, चले उसो गा पाताल तुरंगा। वो पर्वत को इतना धक्का लगा, पर्वत पाताल में पहुंचा। पाताल समझते हैं, ये पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, रसातल, महातल, पाताल, छे छे लोक को पार करके पाताल में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस पर्वत के ऊपर पांव रखकर हनुमान जी ऊपर उड़े, वो पर्वत छे लोक को पार करके पाताल गया, तो इसकी गति कितनी ऊपर होगी। तो पर्वत पाताल में हनुमान ऊपर, जी मिया मोघ कर जी मिया मोग रघु पति कर बाणा, एही भांति चले हूँ हनुमाना। जी मिया मोग रघु पति कर बाणा, एही भांति चले हूँ हनुमाना, एही भांति चले हूँ हनुमाना।
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हो हनुमान जी कैसे उड़े हैं जिमी अमोघ रघुपति कण वाला आम राम ना सारंग माथी कान सुधी प्रतंजा खेचे अन राम ना सारंग माथी जेव बाण निकले उसी प्रकार से हनुमान जी की गति उड़ी है जिमी अमोघ रघुपति कर वाला इसके बहुत सारे अर्थ हैं। पहला अर्थ राम के धनुष से जैसे बाण निकलता है बिल्कुल सरसराटी तेज गति से वैसे हनुमान जी महाराज उड़े। इसका दूसरा अर्थ ध्यान से धनुष में से जब बाण निकलता है तो क्या धनुष स्वयं बाण चलाता है? धनुष जो होता है उस पर बाण चढ़ता है, धनुष में से बाण निकला तो वो स्वयं चलता है? नहीं, उसको चलाने वाला दूसरा होता है। ओके, तो हनुमान जी महाराज धनुष से निकले हुए बाण की तरह उड़े। इसका मतलब क्या? ये हनुमान की गति नहीं है, हनुमान जी को कोई उड़ा रहा है और उड़ाने वाला और कोई नहीं भगवान रामचंद्र है। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 और एक बात जिमी अमोघ रघुपति करवाणा बाण की गति से उड़े अपनी गति नहीं थी। मानो रावण को मौत का निमंत्रण देने के लिए रघुपति राम ने अपने बाण में हनुमान जी को उड़ाया और लंका में भेज रहे हैं। और दूसरा किसी धनुष में से बाण निकले निशाने पर जाने के लिए, यदि वह बाण निशाने पर लगे तो बाण को आनंद होता है, मैं लग गया मैं लग बाण से नाचता है? नहीं, निशाने पर जाने के लिए बाण निकला है निशाने पर लगे तो उनको हर्ष नहीं होता और निशाना चूके तो उसे दुख भी नहीं होता। हनुमान जी कैसे उड़े हैं? रघुपति राम के बाण की तरह। इसका अर्थ कर्म करना है, प्रयास करना है, सफलता मिले या न मिले वो राम जी के हाथ में। जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा ये ही बाती चले हूँ हनुमान। जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा ये ही बाती चले हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि त्रिहुलोक उजागर राम दूत अतुलित बलदामा जनि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंज हाथ वज्र सो ध्वजा विराजे साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप। हलो 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 विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को यातुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सी ए, 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 सूक्ष्म रूप धरि से यहीं दिखावा विकट रूप धरि लंका जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के लाय सजीवन लखन जियाये श्री रघुवीर हर्ष उर लाये
रघुपति की न बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम सहज वदन तुम रो जस गावे हस कही श्री कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद बाउजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि इहु लोक अरे मेरी तरह जोर जोर उड़ रहा है हनुमान यम कुबेर दिक्पाल जहां ते कवि कोविद कही सके तुम उपकार सुग्रीव नहीं कीना राम मिला राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब युग सहस्त्र योजन पर बानु नीलो ताहि मधु प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु सब सुख लहे तुम्हारी चरणा तुम रक्षक काहू आपन तेज तुम्हारो आपे तीनों लो हाक दे कापे अनि हाक देवी देवी नदी आपन तेज तुम्हारो यहाँ पे तीनों लोक हाकते भूत पिशाच निकट नहीं आवे नासे रोग सरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत संकट ते हनुमान छुड़ावे ममकम सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा चारो युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस कर दीन ज्ञान की माता राम रसायन तुमरे तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे और देवता चिंतन धरई हनुमंत सही सर्व संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुनी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शतवार पाठ हर कोई छूट ही बंदी मां जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सीधि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि तिहु लोक उजागर ए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल दामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहुँ सुर भू हृदय बसहुँ सुर भू राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जय श्री राम राजा राम 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 सीता राम 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 सिंह नाद करते हुए
भयंकर ध्वनि करते हुए उस मंदिर मंदराचल महेंद्रगिरी से ऊपर कूदते हुए पर्वत को पाताल में डालते हुए हनुमान जी आकाश में उड़े, देवता थर 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 कांपने लगे, ब्रह्मांड हिल गया, दिग्पाल कांप गए, होने क्या जा रहा है। तव डमक डमक दादुर डाउ डमकत बैत मोर मलाल गिरा, तव पियू पियू शब्द पुकारत चातक पियू पियू को किल कंठ गिरा, तव गड़ गड़ नभ हो कड़ा काने गण गणन गिरीवर शिखर ध्रुजे गण रण पट भरड़ भरड़ पद घूंगर रंग भर सुंदिर रंग भर सुंदिर हनुमान रचे, अषाढ़ उचारम मेघमलारम बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िया तारम विस्तारम नानही संभारम प्यास्य पारम नंद कुमारम निर्क्यारी, एक हो राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल यावो गिरिधारी रे जी जी गोकुल यावो गिरिधारी। क्या दृश्य है भक्तों, एक और आनंद हो रहा है, एक और रोमांच हो रहा है, वाणी गदगद हो रही है, भगवान रो रहे हैं, अपनी पत्नी के विरह में है, और ये आदमी भगवान को अपनी पत्नी से मिलाने का कार्य शुरू किया, अपनी जान जोखिम में डालकर 100 गौ के समुद्र को पार करने के लिए आकाश में उड़ा। कर सर पर सधर अमर कर यन कर कर परवर धर मेल करे, ए हरि हर सुर यवर य पर यतियन कर नटवर मन हर है, मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवरन में, गण रण पट परड़ परड़ पद गूंगर रंग भर सुंदिर श्याम रमेरे जी जी रंग भर सुंदिर श्याम रमेरे जी जी रंग भर, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, माइक राजा राम राजा राम पतित पावन सीता राम, राजा राम राजा राम पतित पावन सीता राम, राजा राम पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा एक ही छलांग में हनुमान जी महाराज उड़े हैं और 50 योजन समुद्र पार सर सराटी बुलावे हनुमान जी महाराज उड़ा, तो आंखों से देख न पाए और आधा समुद्र लांगे तब तक तो समुद्र से मैनाक पर्वत बाहर आया, बिल्कुल सोने से बना हुआ मैनाक पर्वत, दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से निवेदन करने लगा और कुछ देर के लिए हनुमान जी को विघ्न एक नहीं दो नहीं इसी समुद्र में तीन तीन विघ्न
हनुमान जी को आएंगे, लेकिन तीनों विग्रह को पार करते हुए रघुपति राघव का स्मरण करते हुए वे लंका पहुंचेंगे, लेकिन ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाल की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।